नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। तेज गर्मी के बाद बारिश हुई है और लगभग उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में लगभग कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत या ज़्यादा बारिश शुरू हो चुकी है। और बारिश हो तो उसमें आनंद भी आता है, परंतु अगर ज़्यादा हम आनंद लेंगे तो वह परेशानी का कारण भी बन सकता है। वो परेशानियाँ क्या क्या हो सकती हैं, तो आज हमारे साथ में हैं बंसल हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर अनुज बंसल जी। तो हम उनसे जानेंगे कि आखिर ज़्यादा बारिश से किस तरीके से नुकसान की ओर हम जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, पहले यही जानना चाहेंगे कि बड़ी तेज़ गर्मी हुई, तो गर्मी में परेशानी थी, परंतु अब तेज़ गर्मी के बाद अब बारिश शुरू हो गई है और तेज़ बारिश भी है, तो इसमें क्या कोई परेशानी हो सकती है अगर हम शरीर के लिए देखें तो? अब बारिश होनी चालू हो गई है। इस बारिश होने की वजह से जगह जगह जलभराव होगा और जलभराव में स्टूडेंट्स को स्कूल जाना होगा जी, एडल्ट्स को अपने ज़रूरी काम करने के लिए घर से बाहर निकलना होगा जी जी, इसमें उनके हाथ पैर भीगेंगे। तो इस बारिश में सबसे पहली समस्या तो त्वचा संबंधित रोगों का उत्पन्न होना हो सकता है जी जी। दूसरी बात, इस जलभराव में मच्छर पनपेंगे, तो मच्छर जनित जो बीमारियाँ हैं जैसे कि मलेरिया या डेंगू, इनका भी प्रकोप बढ़ सकता है। आजकल देखने में आ रहा है कि जब तेज़ गर्मी के बाद कोई बारिश में भीग जाता है जी जी, तो उसे खांसी भी की भी शिकायत हो रही है। ये खांसी मुख्यतः फेरिंजाइटिस या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की वजह से हो रही है। अच्छा अच्छा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जिसमें कि गले में दर्द होगा और बुखार आएगा, बारिश में भीगने की वजह से हाथों और पैरों में त्वचा संबंधित बीमारियां, फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं जी जी। तीसरा, मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू का प्रकोप भी बढ़ सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि अब बारिश शुरू हो गई है और बीमारियां भी आएंगी, तो हम किस तरीके से अपने परिवार के सदस्यों को और अपने को बचाव कर सकते हैं उन बीमारियों से? क्या जो भी घर के मेम्बर्स बारिश में घर में वापस आ रहे हैं, भीग के वापस आ रहे हैं, सबसे पहले अपने वो कपड़े बदल लें और हाथों और पैरों को साबुन से धो लें जी जी। हाथों और पैरों को साबुन से धोने के बाद एक सूखे तौलिए से अच्छी तरह से पोंछ लें, तो अधिकतर संभावना यह है कि उन्हें कोई त्वचा संबंधित बीमारियां इस बारिश में नहीं सताएगी। और जहां तक मलेरिया और डेंगू के प्रकोप का सवाल है जी, तो अपने घर के आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें जी जी, तथा मच्छरों से बचाव के लिए कोई मच्छर प्रतिरोधी जेल अपने बदन पर लगाएँ या मच्छरदानी में ही सोएं। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि देखने में आया है कि जब बारिश होती है तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं जानते कि इसका क्या नुकसान हो सकता है, तो वो बारिश में भीगने चल देते हैं, तो क्या ये जो बारिश हुई इस समय जो हो रही है, क्या ये बच्चों के लिए इस तरीके से भीगते हुए कोई नुकसान पहुँचा सकती है? नहीं, बारिश में भीगने से डायरेक्टली कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ, जो बारिश का पानी ज़मीन पे गिर जाता है और मिट्टी में घुल जाता है, वो पानी अगर बच्चों की त्वचा पे लगता है या बच्चों के मुंह के माध्यम से बच्चों के शरीर के अंदर जाता है, तो वो फिर डायरिया का प्रकोप कर सकता है। तो बच्चे अगर बारिश में भीग रहे हैं, बच्चों का बचपन है, वो बारिश को एंजॉय करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सफाई का ध्यान रखें। बारिश का पानी जो ज़मीन पर इकट्ठा हो गया है उसको किसी भी हालत में अपने मुँह के अंदर ना जाने दें, और जब बारिश में वो अपना खेल कूद लें तो वापस अपने घर में आने के बाद साबुन से अपने हाथ पैरों को धोएं और अच्छी तरह से सूखे कपड़े से पोंछ लें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि इस समय माना जाता है कि जो डायरिया है उसकी ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है जी, तो क्या डायरिया के ऐसे क्या लक्षण हैं और उससे किस तरीके से बचा जा सकता है? आजकल डायरिया का प्रकोप बहुत अलीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ है। अगर आपको 4-5 से अधिक मोशंस हो गए हैं तो जी, आपको अलर्ट मोड में आने की ज़रूरत है। घबराएं बिल्कुल भी ना जी जी, पर घर में ही ORS का सॉल्यूशन तैयार कर लें। ORS का सॉल्यूशन घर पे भी तैयार करा जा सकता है, चीनी और नमक का घोल जिसको हम आमतौर पर प्रचलित बोल भाषा में कहते हैं जी जी, या केमिस्ट पे भी ORS का घोल मिल जाता है, बहुत सारे ब्रांड आते हैं, उनमें से कोई सा भी ब्रांड आप लेके ORS का घोल घर पे मिलाकर पहले या दूसरे लूज स्टूल के बाद ही उसको पिलाना चालू कर दें। लेकिन ORS के घोल पे पूरा डायरिया का मैनेजमेंट नहीं हो सकता। अगर किसी को 7 या 8 स्टूल हो चुके हैं तो मेरा इस चैनल के दर्शकों से निवेदन है कि एक बार उस रोगी का BP ज़रूर चेक करवा लें। अगर उसका डायरिया से पीड़ित व्यक्ति का BP ऊपर की रीडिंग 100 से नीचे अगर चली गई है अच्छा, तो फिर घर पे ORS का घोल
पिला के उसको मैनेज करने की कोशिश ना करें। अगर बीपी 100 से नीचे जा रहा है ऊपर का तो उसको फौरन इंट्रावीनस फ्लूड्स, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बोतल चढ़ाना कहते हैं, तो आईवी फ्लूड्स चढ़ाने की जरूरत होती है और कुछ एक एंटीबायोटिक भी देने की जरूरत होती है, जो कि एक अस्पताल में ही होना बेहतर होता है। अच्छा। तो डायरिया के मैनेजमेंट में दो स्टेप्स है। पहला स्टेप ये है कि पहला और दूसरा लूज मोशन होने के बाद ORS का घोल पिलाना चालू कर दें, लेकिन उसके बाद भी अगर लूज स्टूल्स चालू रहते हैं, अगर 5-6 लूज स्टूल के बाद आप व्यक्ति का बीपी जरूर ले लें। अगर बीपी 100 से नीचे गिर रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसको हम ऊपर वाली रीडिंग कहते हैं, वो अगर 100 से नीचे गिर रहा है तो उसे आप फौरन अस्पताल लेके जाएं और वहाँ पे डॉक्टर से बात करें। और मुझे लगता है कि आईवी फ्लूड्स चढ़ाने के बाद जो डायरिया की वजह से पानी की कमी हो जाती है उसकी पूर्ति की जा सकती है, तथा एंटीबायोटिक से डायरिया के कीटाणु को रोका जा सकता है आगे बढ़ने से, और इस तरह से इसका मैनेजमेंट फिर अस्पताल में ही हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अंतिम सवाल कि बारिश के दौरान, जैसा कि बताया गया है मौसम विभाग ने कि अभी 3 दिन तक लगातार बारिश रहनी है, तो बारिश में जो खान पान है वह किस तरीके का रखना चाहिए? बारिश में क्योंकि लोग देखा गया है कि बारिश में पकौड़े सिकवाना घर पे, तो उस तरीके से क्या खान पान रहना चाहिए बारिश में? बारिश में आप कुछ भी खाइए लेकिन ताज़ा बना हुआ खाइए। अच्छा। रखा हुआ भोजन ना खाएं और भोजन को ढक के रखें, कोशिश करें कि ताज़ा भोजन खाएं। और आपको अगर पकौड़े एंजॉय करने हैं तो पकौड़े एंजॉय करिए, चाय एंजॉय करनी है चाय एंजॉय करिए, समोसे एंजॉय करने हैं समोसे एंजॉय करिए, बारिश है बारिश का मजा लीजिए, परंतु ताजी होना जरूरी है, ताज़ा होना जरूरी है। इसके साथ मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि अगर बारिश में भीगने के बाद बच्चों को हल्का सा बुखार आ जाए तो फिर घबराइए मत, एक ये नॉर्मल बॉडी का एक ये रेस्पॉन्स होता है कि भीगने के बाद बॉडी हल्की सी गर्म हो जाती है। जी जी। लेकिन अगर बच्चों का बुखार 100 से ऊपर जा रहा है तो उनको फिर पैरासीटामोल की गोली उनको जरूर दे दें। लेकिन अगर बच्चों का बुखार 102 से ऊपर जा रहा है तो फिर अपने चिकित्सक से परामर्श ले लें। 102 के ऊपर का बुखार किन्हीं इन्फेक्शस बीमारियों का भी सूचक हो सकता है, जैसे कि टाइफॉइड या मलेरिया या डेंगू। तो बुखार को आप एक साधारण थर्मामीटर जो कि केमिस्ट की दुकान पर उपलब्ध होता है उससे आप अपने बच्चे का बुखार नाप लें। अगर माइल्ड फीवर है तो बिल्कुल ना घबराएं, पैरासीटामोल की गोली दें। अगर कि सीवियर या फिर हाई फीवर है, 101.5 या 102 के ऊपर जा रहा है, तो फिर अपने चिकित्सक से परामर्श कर लें। तो देखिए, आज हमारे बीच डॉक्टर अनुज बंसल जी ने बताया कि बारिश अगर हो रही है तो बारिश का एंजॉय खुद भी करें और बच्चों को भी करने दें, परंतु कुछ एहतियात रखें ताकि उस बारिश के बाद कोई भी परेशानी ऐसी ना आए कि वो आपको इस बारिश में जी का जंजाल बन जाए। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर, मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभात खबर .com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।